स्वतंत्रता संग्राम के अमिट हस्ताक्षर हेमू कालाणी जी की शहीदी दिवस के अवसर पर विशेष रूप से सिंधी समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे विश्व में सिंधी समाज के द्वारा हेमू कालाणी जी के शहीद दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसे में दमोह जिला मुख्यालय पर घंटाघर के पास सिंधी समाज के द्वारा अमर शहीद हेमू कालाणी जी के शहीदी को याद करते हुए मोमबत्तियां जलाकर उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। हंसते हंसते उस नौजवान ने बलिदान दिया।
आज अमर शहीद हेमू कालानी का शहीदी दिवस होने के नाते पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में जो सिंधी समाज है सब उनका शहीदी दिवस मना रहा है। उस पहले सब भारतीय थे, अंग्रेजों के टाइम पे सबने शहीदी कई शहीद हुए, उसमें हमारे सिंधी समाज के हेमू कालानी जी जो 17 साल की उम्र में उनको फांसी पे लटकाया गया। तो ऐसे अमर शहीद हेमू कालानी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं दमोह में प्रशासन से, सांसद महोदय से, कलेक्टर से अभी हम लोग ये मांग करेंगे, क्योंकि मूर्ति अमर शहीद हेमू कालानी की मूर्ति आ चुकी है, अब उसके लिए कोई चौराहे पे जो मांग हमारी ये है कि स्टेट बैंक चौराहे पर हेमू कालानी जी की मूर्ति स्थापित की जाए, ये हम मांग करेंगे और विनती करेंगे कि हमारा समाज जो है समाज सेवा में, देश सेवा में हमेशा अग्रसर रहा है, तो ये मेरी हमारी मांग मानी जाएगी। धन्यवाद। के लिए मर मिटने की बात आती है तो समाज के संपूर्ण व्यक्ति इस देश के लिए अपने प्राणों की भी चिंता न कर देश के लिए अपनी आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।